तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिक्शनरीज की तरफ आते हैं कि डिक्शनरीज क्या होती हैं। तो डिक्शनरीज क्या होती हैं? डिक्शनरीज आर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ की वैल्यू पेयर फॉर्म। यानी कि डिक्शनरी जो है वो एक की वैल्यू के तौर पे यूज होती है। इसका मेथड के सिंटैक्स क्या है लिखने का वो मैं आपको बताता हूँ। अ कलेक्शन ऑफ सच पेयर इज इनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स फॉर एग्जाम्पल दिस। ये एक एग्जाम्पल है, हम इसी एग्जाम्पल को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में एक वेरिएबल के ए वेरिएबल के अंदर हम डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ होती है, लेकिन इसके जो है ना की और वैल्यू ये ऐसे यूज़ होता है। पहले नंबर पे हमें इसकी की देनी होती है, आगे फिर हमें इसकी वैल्यू देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इसकी की है, ये पहला नंबर है इसका, ये पहला नंबर है। अब पहला मतलब इसकी की दी, फिर कॉलन लगाया, फिर कॉलन के बाद डबल ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट्स में हम उसकी वैल्यू देते हैं। वैल्यू में कोई भी नंबर हो सकता है, वैल्यू में कोई नाम हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये डिक्शनरी में लिखने का तरीका है। फॉर एग्जांपल अब ये कोई गर्ल्स के नेम्स हैं इसके अंदर, जिस तरह पहले की कैली नंबर पर उसका नेम है जोया, सेकेंड नंबर पर उसका नाम है दरक्षाम, तीसरे नंबर पे की है तो उसकी वैल्यू में क्या है जीनत। हम इसी एग्जांपल को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे एग्जांपल में दी हुई है। और अच्छा एक कोमा भी लगाना है, मैं जिस तरह एक कोमा, जिस तरह ये टू वैल्यू के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कोमा लगाना है, डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखनी है और उसके बाद फिर हमें कोमा लगा देना है, फिर वैल्यू की देनी है, फिर कॉलन, फिर वैल्यू डबल कोट्स के अंदर और फिर कोमा लगा देना है। फिर फोर नंबर पे आएगा हमारा मैविश, ठीक है, एंड वाले के बाद हमने कोई कोमा नहीं लगाना। तो ये बेसिकली हमारी डिक्शनरी है। अच्छा डिक्शनरी भी एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। जिस तरह सीक्वेंस टाइप में ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन डिक्शनरी में ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। डिक्शनरी को हम अनऑर्डर्ड कलेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी नंबर पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, इस वजह से हम इसको अनऑर्डर्ड कलेक्शन कहते हैं। तो अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं इसकी टाइप मालूम करने के लिए। सबसे पहले तो हम ए को प्रिंट करवाएंगे, फिर हम इसकी टाइप मालूम करेंगे टाइप फंक्शन के ज़रिए, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी। तो देखिए ये हमने इसको प्रिंट करवा दिया है कि पहले में जोया, दूसरे पे दरक्षा, तीसरे पे जीना, चौथे पे मैविश और इसकी टाइप क्या है जी, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इसको बोलते हैं कि पाइथन डेटा टाइप्स में कि डिक्शनरी के अंदर पहले किसी भी की वैल्यू होती है, फिर उसके सामने उसकी की, पहले की होती है फिर उसकी वैल्यू होती है, फिर पहले की, सेकेंड नंबर पर उसकी वैल्यू, पहले की मतलब फिर उसकी वैल्यू, इसको हम डिक्शनरी बोलते हैं पाइथन डेटा टाइप्स के अंदर। अब हम आगे चलते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स पाइथन के अंदर क्या होते हैं? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन नेम एज द लिस्ट एंड टपल। हाउएवर इट इज नॉट एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। द सेट इन अ पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट इज मैथमेटिक्स। अ सेट ऑब्जेक्ट हैज टेबल मेथड्स टू परफॉर्म मैथमेटिक्स सेट ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस एटसेट्रा। A set object contains one or more items, not necessarily of the same type, which are separated by comma and enclosed in curly brackets. Set जो हैं basically वो list और tuple की तरह ही होती हैं। However, it is not ordered collection, not an ordered collection of objects. मतलब ये set जो हैं वो होते तो list और tuple की तरह ही, लेकिन ये ordered collection में लाजमी नहीं है कि हों। The set in a Python implementation, जी इनको use किस लिए किया जाता है? पहले तो मैं इनको लिखने का तरीका आपको बताऊं कि सेट्स को किस तरह से लिखा जाता है। बेसिकली इनको लिखने का तरीका यही है कि इनको लिखने का तरीका यही है कि कोई भी इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वैल्यूज़ होगी, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उनको सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमास के ज़रिए हम उनको सेपरेट करेंगे। जिस तरह एक फ्रूट्स की एक लिस्ट है, बनानास और फिर कोई भी हम लिख लेते हैं जिस तरह के चेरी, ठीक है। इसको हम पहले प्रिंट करवा के देख लेते हैं और फिर इसकी टाइप भी देख लेते हैं कि इसकी
टाइप क्या है, देखिए ये मैं बता रहा है कि दिस इज़ अ सेट। अब इसको यूज़ किस लिए किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंसेस वगैरह इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। एक मैंने बना ली एक्स का सेट बना लिया, एक मैं बना लेता हूँ वाई का सेट्स, ग्रेप्स, फिर एप्पल्स, अगेन एप्पल्स लिख लेता हूँ क्योंकि उनका जब यूनियन लेना होगा तो हमें पता के पता चल जाए, ग्रेप्स और फिर मैंगोज। ठीक है, तो ये मैंने दो लिस्टें बना ली हैं। अब ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना इनका यूनियन मालूम करता हूँ। अब यूनियन को किस तरह से लिखा जाता है, यूनियन का आपको पता ही होगा कि यूनियन जब लिखना होता है तो वो फाइंड द यूनियन, फाइंड द यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई। अब फाइंड द यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई तो हम इसको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स ये जो है ना ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन का क्या होता है बेसिकली, ये यूनियन ये होता है कि एक्स और वाई को हमने मिला के लिखना होता है विदाउट एनी डुप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल इस तरह के एप्पल यहाँ भी है, एप्पल्स यहाँ भी है, अच्छा ये एप्पल और एप्पल्स है। अब इस तरह एप्पल यहाँ भी है, एप्पल्स यहाँ भी है, अब ये एक ही दफ़ा हम एक्स और वाई को हम मिला के लिखेंगे लेकिन तरतीब वाइज, तो इसको डुप्लीकेशन में नहीं लेकर आएगा, इसको यूनियन बोलते हैं हम। तो एक्स और वाई को हमने प्रिंट करवाना है यूनियन के अंदर, तो देखते हैं कि ये किस तरह से प्रिंट करेगा। ये देखिए ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल, चेरी, बनाना। देखिए एक्स और वाई में एप्पल्स दोनों थे लेकिन इसने क्या किया, दोनों सेट्स को आपस में मिला के लिखा है लेकिन इसने डुप्लीकेशन नहीं की। फॉर एग्जांपल मैं कोई और चीज़ भी लिख लेता हूँ ग्रेप्स, इस तरह यहाँ सेकंड वाली वाई में है, मैं एक्स के अंदर में भी ग्रेप्स लिख देता हूँ। अब मैं फिर से प्रिंट करवाता हूँ, सेव करा के मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट करवा के देखिए ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, चेरी, मैंगोज। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर इसने डुप्लीकेशन नहीं होने दी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इंटरसेक्शन फाइंड द यूनियन ऑफ एक्स, अब मैं ऐसा करता हूँ कि इंटरसेक्शन का मालूम करता हूँ। इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन यही होता है कि जो भी दोनों लिस्ट सेट्स के अंदर कॉमन चीज़ है, कॉमन है, वो मालूम करें। अब इनके अंदर कॉमन क्या है, ग्रेप्स कॉमन है और एप्पल्स कॉमन है, तो इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए हमें एंड का हम एंड यूज़ करते हैं, ये एंड। तो x एंड y, इससे हमें x इंटरसेक्शन y है बेसिकली, तो ये हमें कॉमन देगा कि इन दोनों उसके अंदर कॉमन क्या चीज़ है। तो देखिए ग्रेप्स एंड एप्पल्स, तो ये हमें यहाँ पर ग्रेप्स एंड एप्पल्स बता रहा है। इसी तरह से आप इनका डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं, इनके सिमेट्रिक डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको आप सेट्स कहते हैं, आपको अंदाजा तो हो गया होगा सेट्स किसको कहा जाता है। अब फ्रोजन सेट पढ़ने से पहले मैं आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे फ्रोजन सेट में भी और बाइट्स और बाइट्स एरेंस में भी पढ़ने के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो म्यूटेबल और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो होता है जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उसके वजूद में आने के बाद। यानी कि डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट हुज स्टेट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। और जबकि दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट विच कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। यानी कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करने के बाद हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अब मैं इसको बेसिकली समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसको एक समझाऊंगा ताकि आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो मैं अब आपको एक कोड लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको इससे आसानी से समझ में आ जाए कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को कैसे आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग का ए वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर लिया। डेटा ऑफ यूनिवर्स का मैंने एक स्ट्रिंग लिया और उसको मैंने ए के अंदर स्टोर कर लिया। अब मैं इसको सबसे पहले तो आपको प्रिंट करवा के दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, और सेकंड इन कमांड में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिकली
इम्यूटेबल है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली इम्यूटेबल्स होते हैं, इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं जब ये क्रिएट हो जाए आफ्टर। और फिर मैं इसमें फ़र्क दिखाऊंगा एक और, अब ये क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल्स हैं, फिर मैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल्स, और इसके साथ ही फिर मैं अगला जो बनाऊंगा वो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जो कि होगा कि लिस्ट आर म्यूटेबल्स। ठीक है, तो अभी मैंने ये एक स्ट्रिंग लिया, उसको मैंने वेरिएबल ए में स्टोर कर दिया। अब मैंने इसको पहले इंस्ट्रक्शन में तो इसको प्रिंट करवाया। अब मैं इसका फिज़िकल एड्रेस आपको दिखाऊंगा कि ये कौन से फिज़िकल एड्रेस में स्टोर है। देखिए, कोई भी वैल्यू जो हम स्टोर कराते हैं, बेशक वो कोई फाइल हो, कोई वेरिएबल हो या कोई भी डेटा हो, हम जब भी पीसी में स्टोर कराते हैं तो उसको फिज़िकल वैल्यू, फिज़िकल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है स्टोर होने के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी स्पेस में उसको स्टोर होने के लिए उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है जहां वो जाके स्टोर होता है। अब जिस तरह मैं ये एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, ये भी एक डेटा ही है कि ये स्ट्रिंग डेटा है, टेक्स्ट टाइप डेटा है, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। अब इसको कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए, कोई जगह चाहिए कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाया। अब मैं इसका फिज़िकल एड्रेस आपको दिखाऊंगा कि ये कौन से फिज़िकल एड्रेस पे ये स्टोर है। तो उसके लिए अब मैं लिख देता हूँ कि एड्रेस ऑफ ए इज़, उसके लिए अब मुझे वो एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस देने के लिए तरीकाकार ये है कि पाइथन के अंदर के आपको कॉलन लगाते हैं जब भी आपको कोई स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू शो करवानी हो। जिस तरह ये एक स्ट्रिंग है दो डबल सिंगल कोट्स के अंदर, ये यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक, अब मैंने स्ट्रिंग के अंदर एक वैल्यू शो करवानी है, कोई भी वैल्यू आउटसाइड से लेकर आनी है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, ये फॉर्मेट का फंक्शन हम लगाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे आईडी और कौन सा वेरिएबल लेंगे हम ए। अब ये क्या करेगा कि इसका फिज़िकल, इस ए एड्रेस का मुझे यहाँ पर इस फॉर्मेट के ज़रिए इसका मुझे फिज़िकल एड्रेस दिखाएगा कि कौन से जगह पर ये स्टोर है। तो मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ कि इट इज़ इम्यूटेबल्स, यानी कि अगर आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड अगर हम इसको मॉडिफाई क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसका अगर करते हैं मॉडिफाई एड्रेस तो इसका फिज़िकल एड्रेस भी चेंज होगा, यानी कि उसी सेम एड्रेस पे आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए पहले इसको मैं पहले एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो चलाने का तरीका कार यही है कि पाइथन फिर स्क्रिप्ट का नाम, बेशक कुछ भी हो, मेरा है स्क्रिप्ट डॉट पाई, तो मैंने इसको रन किया। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करवाया जो कि उसके अंदर स्ट्रिंग है डेटा ऑफ यूनिवर्स के नाम से, फिर मैंने उसका फिज़िकल एड्रेस शो करवाया कि एड्रेस ऑफ ए इज़ दिस 2081556304 08, ये इसका फिज़िकल एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस जहाँ पर ये जाके स्टोर हो रहा है। तो अब मेरा कहने का ये मकसद है कि अब मैं अगर इसको, सबसे पहले तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए के वेरिएबल को चेंज करता भी हूँ, तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई और वैल्यू लिख देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू कोई भी लिख देता हूँ, जिस तरह के पाइथन इज़ ग्रेट। मैंने अब ए ही वेरिएबल लिया है क्योंकि नेम मैंने सेम लिया है, मैंने नेम इसके अंदर सेम लिया है और मैंने कोई और स्ट्रिंग डाल दी है। अब मैंने कोई और स्ट्रिंग डालने के बाद मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ ए, अगर नहीं भी करवाऊँ तो यहाँ भी उसका एड्रेस करवा सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपको जस्ट शो करने के लिए दिखा रहा हूँ। अब मैं फिर से वही लिखूँगा कि एड्रेस ऑफ ए इज़, फिर से हम वो कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे ताकि आपको उसका वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर क्योंकि शो करानी है इसलिए। तो अब हमने ए का ही फिज़िकल एड्रेस देखना है, इसको मैंने सेव किया। अब मैं इसको यहाँ से फिर से प्रिंट कराऊँगा। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल्स, तो इससे आपको वाजे होगा कि देखिए ये ए ही वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर है कि डेटा ऑफ यूनिवर्स, इसका फिज़िकल एड्रेस इज़ दिस, और पाइथन इज ग्रेड, इसका फिज़िकल एड्रेस इज़ दिस, ही दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि ये दोनों डिफरेंट लोकेशंस में सेव हैं, इन दोनों का फिज़िकल एड्रेस सेम है, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैंने अगर स्टोर किया है तो इसने क्या किया है कि इसने
उसी वेरिएबल एक और वेरिएबल बनाया है, हालांकि नेम दोनों के सेम थे, इसने एक और वेरिएबल बनाया है और इसको किसी और जगह पर ले जाके स्टोर किया है। तो इससे साबित ये हुआ है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल्स, यानी कि इनको हम अब मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करेंगे तो ये एक और स्पेस बनाएगा मेमोरी में, उसको वहाँ जाके स्टोर कर देगा। तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है इस वजह से क्योंकि ये मेमोरी ज़्यादा लेता है, मेमोरी ज़्यादा गेन करता है आपकी। जितने वेरिएबल्स आप स्टोर करेंगे उसके लिए आपको अलग अलग स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, वाई के नाम से मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट बनाने का तरीका कार ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं कोई भी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, जिस तरह मैं लिखता हूँ पाइथन इज ग्रेट। ठीक है, ये अब मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर मैंने तीन वर्ड्स लिखे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं y को प्रिंट करवा दूँगा, फिर मैं इसका फिज़िकल एड्रेस प्रिंट कराऊँगा। तो एक काम करता हूँ कि मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार एक ही लाइन लिखनी पड़ रही है हमें, बस यहाँ एक ही जगह हम y लिख देंगे। तो अब यहाँ से मुझे इसका फिज़िकल एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन एक काम करते हैं कि हम इसको कॉमेंट आउट कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, अब ये पाइथन इज ग्रेट, इसका फिज़िकल एड्रेस जो है ये है, इसका फिज़िकल एड्रेस आप देख लें कि इसका ये है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसी एक ही लिस्ट के अंदर मैं और चीज़ें ऐड कर देता हूँ, और फिर देखते हैं ये क्या करता है। अब ऐड करने का तरीकाकार क्या है, अपेंड का एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लिस्ट के अंदर ही हमने कोई चीज़ें और ऐड करनी हो तो ऐप एंड, इसके एंड के अंदर ना, एंड के अंदर ही और चीज़ें ऐड कर देगा, क्योंकि ये मेथड सिर्फ लिस्ट के अंदर ही काम करता है। लिस्ट अब जिस तरह कि अगर मैं कोई भी टेक्स्ट उठा के मैं इसके अंदर सेव कर लेता हूँ, अब मैंने वाई डॉट अपेंड लिखा है और मैं इसके अंदर ये पूरी एक स्ट्रिंग सेव करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा कि इसी लिस्ट के अंदर एंड में बिल्कुल ये सेव कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इन आखिरी दो लाइनों को कॉपी करता हूँ, सबसे पहले तो इसको प्रिंट करवाऊँगा और फिर इसी का फिज़िकल एड्रेस जानने की कोशिश करूँगा। तो अब देखते हैं कि इसका फिज़िकल एड्रेस इस वाली लिस्ट का और ये जो हमने ऐड करवाया इनका एड्रेस, फिज़िकल एड्रेस सेम है कि नहीं, इससे हमें पता चलेगा कि लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी कि दे कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। तो ये देखिए कि पाइथन इज ग्रेट, इसका एड्रेस जो है 21560578683852। ठीक है, फिर ये पाइथन इज ग्रेट और इसको सेकंड मैंने एक और चीज़ ऐड की थी इसी के अंदर, इसी लिस्ट के अंदर। अब ये देखिए, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस बिल्कुल सेम है, 251056705706835252। ठीक है, इन दोनों के फिज़िकल एड्रेस सेम है। तो इससे हमारी मेमोरीज़ की लोकेशन जो है वो एक ही लोकेशन के अंदर हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो इससे ये होता है कि हमारी कंप्यूटर की स्पेस बचती है और इससे काम भी फास्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही स्पेस के अंदर अगर कंप्यूटर को चीज़ें ढूंढनी पड़े तो ज़्यादा आसानी से ढूंढ सकता है, बजाय इसके कि पहले एक स्पेस से एक वैल्यू निकाले, फिर दूसरे एड्रेस पर जाए, फिर वहाँ जाके वैल्यू निकाले, तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है। बेहतर यही होता है कि एक ही स्पेस में आप कोई भी अपना डेटा स्टोर करवाएं। अब आप ये मिसाल लें कि अगर ये तो एक छोटी सी मिसाल है, अगर आपके कोई मिलियंस कस्टमर्स हों, जिस तरह फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके इतने कस्टमर्स हैं, तो ये किस तरह से डेटा स्टोर करते हैं, इनका डेटा स्टोर करने का, अगर ये स्ट्रिंग्स के ज़रिए स्टोर करेंगे तो जाहिर सी बात है उतनी ही इनको स्पेस भी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर ये इस तरह स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे तो इससे इनकी काफ़ी स्पेस बच सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वे है, गुड वे है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ तो सिर्फ थोड़ा सा ही डेटा स्टोर किया है, लेकिन जब अब हम लार्जर लेवल पे देखते हैं तो तब जाके हमें पता चलता है कि स्पेस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़ी वेबसाइट्स के लिए, जहाँ मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का कस्टमर्स का डेटा स्टोर हो। तो अब हम चलते हैं अपने
फ्रोजन सेट्स की तरफ कि फ्रोजन हमने सेट्स पढ़ लिए हैं, अब हम फ्रोजन सेट्स की तरफ पढ़ते हैं फ्रोजन सेट्स क्या होते हैं। तो फ्रोजन सेट बेसिकली इज अ मेथड दैट रिटर्न्स एन इम्यूटेबल फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज विद एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन आइटरेबल्स। द सेंटेक्स ऑफ फ्रोजन सेट मेथड इज दिस। तो बेसिकली फ्रोजन सेट क्या करता है, फ्रोजन सेट एक फंक्शन है। बेसिकली ये फ्रोजन सेट एक फंक्शन है, ये किसी भी एलिमेंट्स को इम्यूटेबल्स में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, मैं फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट के अंदर मैं कोई भी डेटा लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उज़ैर खान, ठीक है। अब ये मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि सबसे पहले तो आपको पता चल जाए, फिर मैं इसकी टाइप भी पता कर लेता हूँ। टाइप इसलिए पता कर रहा हूँ ताकि आपको पहले पता चले कि इसकी टाइप क्या है। फिर मैं इसका एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी, और बी के अंदर इस फ्रोजन सेट को मैं ऐड करवाऊँगा फ्रोजन सेट ए को। अच्छा, अब मैं करवा लूँगा यहाँ पर प्रिंट बी। आपको यकीनन ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने पहले एक लिस्ट बनाई ए, मैंने उसको प्रिंट करवाया, फिर उस प्रिंट करवाने के बाद मैंने उसकी टाइप मालूम करना चाह रहा हूँ कि उसकी टाइप क्या है। यहाँ तो सिर्फ उस लिस्ट को प्रिंट करवाया, पूरी लिस्ट को, दो ही आइटम है इस लिस्ट के अंदर, फिर उसके टाइप मालूम कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसी लिस्ट को फ्रोजन सेट के ज़रिए, क्योंकि लिस्ट आपको पता है म्यूटेबल्स होते हैं, इट कैन बी मॉडिफाइड, तो मैंने इसको इम्यूटेबल बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर फ्रोजन सेट लगाया ए को ही, क्योंकि ए लिस्ट थी, इसको बी के एक वेरिएबल में स्टोर किया, और यहाँ पे फिर मैं बी को प्रिंट करवा रहा हूँ। और अब यहाँ मैं बी की टाइप आपको प्रिंट करवाऊँगा कि डी की टाइप क्या है। तो बी की टाइप ही ये है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने इसको प्रिंट करवाता हूँ। देखिए ये उज़ैर खान, ये एक लिस्ट है, अब क्लास है लिस्ट। अब फ्रोजन सेट के ज़रिए मैंने इसको फ्रोजन सेट में कन्वर्ट किया उसी लिस्ट को, उज़ैर खान। अब ये देखिए फ्रोजन सेट बन चुका है, नाउ इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड एनी मोर। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको अपेंड करना चाहूँ, तो यहाँ पर अगर मैं ए डॉट अपेंड करूँगा तो ये यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, लेकिन उज़ैर खान एंड वेलकम टू डेटा ऑफ यूनिवर्स, कुछ भी लिख लो, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने अपनी इसी लिस्ट के अंदर अपेंड किया है, क्योंकि यहाँ अपेंड हो जाएगा, यहाँ तक तो ये एक लिस्ट ही थी। लेकिन अब इस स्टेटमेंट के बाद, फ्रोजन सेट की स्टेटमेंट के बाद, अब जो है ना, अब ये अपेंड नहीं होगा। ए डॉट अपेंड करके देखता हूँ, क्योंकि अब ये स्टिल लिस्ट रही नहीं, क्योंकि अब ये इम्यूटेबल में आ गया, अब ये इम्यूटेबल बन चुका है इसके अंदर, अब इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं तो अब ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। तो यहाँ बी आएगा, क्योंकि हमने ये फ्रोजन सेट बी के अंदर स्टोर किया है, तो बी को हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसको स्पेस सेव करने के बाद हम इसको अब चलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने जैसे ही इसको चलाया, उज़ैर खान एंड वेलकम टू द डेटा ऑफ यूनिवर्स, अभी तक ये लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट, जब तक ये लिस्ट है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब हमने इसको फ्रोजन सेट में कन्वर्ट किया तो अभी ये देखिए ये फ्रोजन सेट में जहाँ कन्वर्ट हो रहा है इस पूरी लाइन के बाद, अब हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये कह रहा है कि फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ओपन, ये एरर दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये अब म्यूटेबल में इम्यूटेबल बन चुका है, म्यूटेबल से म्यूटेबल बन चुका है। तो अभी तो मैंने लिस्ट की है, इसी तरह आप कोई भी आप एलिमेंट्स हो, स्ट्रिंग्स हो, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो, आप उसको इम्यूटेबल से इम्यूटेबल्स बना सकते हैं फ्रोजन सेट के ज़रिए से।